ये देखिए पसंदों की तैयारी। ये है आधा किलो से ज़्यादा पसंदे। ये इसमें डालने वाले मसाले हैं तली हुई प्याज, मिर्च, कच्चे पपीते का पाउडर, गरम मसाला और नमक। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, दही और ये चने, मगज, काजू और ये खोपरा है, इसको हम सूखा हुआ खोपरा है, इसको हम सबको ग्राइंड करके इसमें मिलाएंगे। ये भी इसमें डाल के ग्राइंड करेंगे। सारे मसालों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हल्दी भी मैंने मिला दी है क्योंकि मसालों का कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं हल्दी मिलाना भूल गई थी। मैं थोड़ी सी हल्दी भी मैंने मिला दी है। सारे मसाले देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसमें तली हुई प्याज भी मैंने मिक्स कर दी। अब हम इनको पसंदों पर लगाएंगे इस मसाले को। ये देखिए सारे पसंदों को मैंने मसाला लगा लिया है अच्छी तरह से सबको फैला फैला कर। अब हम इसको एक घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, वो ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ग्रेवी के लिए हमने लिए हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज और 2.5 चम्मच टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तेल ही जिसमें हमने प्याज तली थी इसी में हमने और तेल मिला दिया है। गरम मसाला और प्याज का मैंने बघार लगा दिया है। लहसुन अदरक प्याज के साथ मैं हरी मिर्च पीसना भूल गई थी, मैंने अलग से पीस कर इसमें मिला दी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे हुए मसाले, धनिया, मिर्च और हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, पसंदों में भी मिला चुके हैं इसलिए अब ये बस मसाले के हिसाब से इसमें 1 चम्मच नमक और डालना है। आप चाहें तो पसंदों को इसी तरीके से मसाले में डाल सकते हैं, तो नहीं तो इस तरीके से गोल गोल बनाकर इसके रोल बनाकर भी मसाले में डाल सकते हैं। इस बार मैं भी ऐसे रोल बनाकर डाल रही हूँ। वैसे मैं हमेशा सीधे ऐसे ही उठाकर उसमें डाल देती हूँ मसाले में, लेकिन अब मैं इस बार ऐसे थोड़े से गोल गोल रोल बनाकर डालूँगी। ये देखिए पसंदे हमने पूरे रोल कर ली हैं, मसाला भुना हो गया है। अब हम इसमें ये रोल किए हुए पसंदे डालेंगे। ये देखिए सारे पसंदों के रोल मैंने इसमें ग्रेवी में डाल दिए हैं। अब हम इसको ढककर मंदी आँच पर पकाएँगे। हमने पपीता डाला है इसमें कच्चा, तो इससे जल्दी ये गल जाएंगे। ये देखिए हमारे पसंदे हो गए हैं तैयार। अब हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया।